अरे क्या दिन भर सोते ही रहोगे? आज संडे है, घर की दीवारें खराब हो रही हैं, ठीक कब कराओगे? अरे यार, ये संडे के दिन भी को सोने नहीं देता आराम से। हद है यार, कमाल हो गया। एक तो ये बारिश ने ना सारे घर की दीवारें दी बेकार कर दी हैं, सब पर सीलन और पपड़े निकल आई हैं। क्या करूं, कैसे ठीक कराऊं, क्या सॉल्यूशन करूं इसका। चलो यार, अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, पूछता हूँ कौन है जो इसका कुछ सॉल्यूशन मुझे बता सके, ताकि दीवारें ठीक हो सकें। लेट्स सी। मैं 2-3 महीने से परेशान था इस बात को लेकर कि मैं किससे काम कराऊं घर का। बहुत सारे छोटे मोटे काम इंटीरियर से रिलेटेड इकट्ठे हुए थे, दीवारों पर सीलन है, फ्लोरिंग के काम थे। मैं किसके पास जाऊं जहां पर मुझे एक तो रेट रीजनेबल मिले, दूसरा मुझे वो फुल वैरायटी मिल जाए देखने के लिए, जो लेटेस्ट तरीके से बढ़िया काम कर सके। मैंने कुछ दोस्तों से सलाह करी कि भाई किससे मुझे काम कराना चाहिए, तो कुछ लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि कमला नगर में मुगल रोड पर अग्रवाल सेवा सदन के सामने F&I डेकोर के नाम से एक आउटलेट है जो कि इंटीरियर के सारे काम करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ मुगल रोड पर सामने मेरे अग्रवाल सेवा सदन है और F&I डेकोर पे। तो देखते हैं, चलिए F&I डेकोर पर चल के कि किस तरह का कलेक्शन है और मेरी रिक्वायरमेंट से पूरी कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू F&I डेकोर। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार। नमस्कार पंकज जी, आइए। अरे आपको तो मेरा नाम भी पता है। अरे सर, आपका सर चैनल जो है अमेजिंग आगरा बहुत फेमस चैनल है और मैं उसे काफी सब्सक्राइब करता हूँ। वाह भैया, थैंक यू। चलिए, अमेजिंग आगरा से तो फायदा हुआ कि जहाँ जाओ अपने परिचित मिल जाते हैं। ठीक है सर, चलिए बैठ के बात करते हैं। यस सर, प्लीज। गौरव जी, मुझे कुछ फ्रेंड्स ने आपके लिए रिकमेंड किया। ओके। मेरे को प्रॉब्लम ये कि मेरे घर में कई जगह दीवारों पर सीलन है। ओके। और उस पर काफ़ी पपड़ियाँ निकल रही हैं, गीली रहती है वॉल। मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराए लेकिन मुझको उसमें आराम नहीं मिल रहा है। ओके। और इवन छत पर भी, मेरे एक ऊपर रूम है इसके अंदर वो गाटर लगा हुआ है, तो उस पर भी मैं कौन सी POP की सीलिंग कराऊँ, क्या कराऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं चाह रहा था कि ऐसी जगह जहाँ मैं जाऊँ जहाँ के मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और जहाँ मेरे से चीटिंग नहीं हो। ओके ओके ओके। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि भैया आप गौरव जी के पास जाइए। तो सर आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं मुझे बताइए। पंकज जी, F&I डेकोर पिछले 5 साल से काम कर रहा है और हजारों साइट्स पे काम कर चुका है, तो आपके साथ चीट होगा ये, तो आप बिल्कुल ही इस बात को रहने दीजिए। आपने अगर एक बार हमसे किसी काम का कॉन्टेक्ट दे दिया तो वो फिर काम आपको बिल्कुल ख़त्म होकर मिलेगा। हमारे पास कस्टमाइज डिज़ाइंस मिलेंगे आपको अलग अलग कलर्स में, और इसके अलावा हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं जो आपको इंस्टॉल करके देंगे साइट्स पे, दे आर ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल इन देयर एटीट्यूड एज वेल एज इन देयर वर्क। तो सर आपको, जैसे कि आप बता रहे थे आपकी दीवार पर डंपनेस है, डार्कनेस है, दीवारें आपकी ख़राब हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा सीलन और पपड़ी है, तो सर उसके लिए मैं जो आपको सॉल्यूशन दूंगा, जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, वो है सर ये हमारा PVC वॉल पैनल्स। ये सब PVC वॉल पैनल्स हैं जो प्लैंक साइज में आते हैं, 10 इंच बाई 10 फिट में, और वॉल्स पर ये फिट हो जाते हैं। जो सर इसका बेनिफिट जो है सर, एक तो ये रेडी टू इंस्टॉल है, इसको सर ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको। एक बार सर आपने हमें ऑर्डर दिया, विद इन 2 डेज आपका पूरा रूम हम इंस्टॉल करके आपको दे देंगे। फिर सर ये टर्माइट भी प्रूफ है। आप देखते हैं, जैसे फर्नीचर आपने लगवाया तो आफ्टर 4 या 5 साल बाद दिक्कत क्या आती है कि उसमें दीमक लग गया, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसको निकालने या करने में। बट आप ये चीज़ आप लगवा देते हैं अपनी वॉल्स पे, तो दीमक भी आपके फर्नीचर को बचा के रहेगा, दीमक भी आपके फर्नीचर को ख़राब नहीं कर पाएगा उस केस में।
फिर सर क्या है ये फायर भी प्रूफ है ये सर, इसमें पीवीसी मटेरियल है लेकिन वो 25% है, 75% इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे क्या रहता है ये नेचुरल रहता है, आपके रूम की जो मतलब इन्वायरमेंट है वो नेचुरल रहेगा जी। और सर ये बहुत ही खूबसूरत लगता है वॉल्स वगैरह पे लग के, और ये इस टाइप से इसकी सीलिंग वगैरह भी बन जाती है, फॉल सीलिंग्स वगैरह भी बन जाती हैं। ये सर हमारे कुछ डिज़ाइन से बनाए हुए जो मतलब आप देख सकते हैं किस टाइप से आपकी साइड्स वगैरह पे ये लग जाता है। ये देखिए कुछ डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये सीलिंग का डिज़ाइन है ना। और सर सीलिंग भी ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, एक रूम अगर आपका 12x12 का रूम है तो 144 स्क्वायर फिट हो गया, और ये 90 रुपीज़ स्क्वायर फिट के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 12,000 रुपीज़ में आपकी फॉल सीलिंग हो जाएगी। और अगर रूम आप देखेंगे तो एक रूम 12x12 के रूम में अप्रॉक्स 400 स्क्वायर फिट का काम होता है आफ्टर द कटिंग ऑफ ऑल दी विंडोज एंड डोर्स एंड एवरीथिंग जी। तो 400 स्क्वायर फिट का काम है ये, एक हम स्क्वायर फिट वाइज कॉस्ट निकालें तो 45 रुपीज़ से एक मिडिल रेंज है हमारी जी। उसमें आपकी वो 400 फुट की वॉल्स कवर हो जाएंगी, यानी कि 400 × 45 यानी कि 18,000 रुपीज़ में आपका पूरा रूम की वॉल्स हो जाएगी। 18,000 में मेरी चारों वॉल्स कवर हो जाएंगी? यस सर, चारों तरफ से हम पैनलिंग कर सकते हैं। यस सर, 18,000 में चारों वॉल्स आपकी हो जाएंगी। अरे वाह। और सर आपकी जो 12x12 की सीलिंग बताई मैंने 144 स्क्वायर फिट की, अप्रॉक्स 12-12,500 रुपये में आपकी वो हो जाएगी। अगर मेरे एक रूम में केवल बेड के पीछे की वॉल खराब हो रही है, सिर्फ केवल एक वॉल अगर मैं कराता हूँ तो कितना खर्चा आएगा? एक बॉल सर आप कराएंगे तो सर एक बॉल अमूमन जो नॉर्मल साइज हम देखते हैं वो 12x10 की वॉल होती है। जी हाँ जी, इतनी है मेरी। तो 120 × 45 आप करेंगे तो 5,500 रुपये समथिंग में आपकी, 5,400 रुपये ही हुआ उसमें आपकी एक वॉल कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 5,500 में मेरे बेड के पीछे की वॉल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी सर। वाह वेरी गुड। तो गौरव जी ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि जो वुडन वर्क कराते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दिमाग की प्रॉब्लम भी आ जाती है। अच्छा ये जो पीवीसी पैनल्स हैं इसमें जैसे डस्ट आने पर इनको हम साफ कर सकते हैं पानी से? यस सर ये फुल्ली वॉशेबल है। अच्छा, और सर आप इसको कभी भी वॉश कर सकते हैं। ओके वेरी गुड। ये देखिए सर ये वुडन फ्लोरिंग है और ये भी सर रेडीमेड सॉल्यूशन है, आपके रूम को एकदम नेचुरल लुक देता है ये, और इसमें भी बहुत सारे कलर्स वगैरह मिल जाते हैं और विद इन अ सिंगल डे इंस्टॉल हो जाता है आपके रूम के अंदर। ये आपके रेडी स्टॉक में रहते हैं इसके? हाँ सर, ये भी हमारे पास रेडी स्टॉक में रहता है। देखिए सर वॉलपेपर्स जो है जो काफ़ी टाइम से चलन में ही हैं और वॉल्स वगैरह काफ़ी अच्छी लगती हैं वॉलपेपर से, वॉलपेपर की हमारे पास पूरी रेंज मिल जाएगी आपको, फ्लावर्स रेंज में हो गया या वुडन रेंज में हो गया, और जैसा आप डिज़ाइन पसंद करें उसके हिसाब से लग जाएगा। आजकल वैसे कस्टमाइज वॉलपेपर्स का ज़्यादा ट्रेंड है। देखिए पंकज जी ये ना एम्बोस्ड वॉलपेपर है, इस पर क्या है अगर आप ऐसे अपना हाथ भी स्मूथली रखते हैं तो आपको फील होगा एम्बोस्ड हुआ, इसमें डियर है, ट्री है, सब कुछ मतलब फील होगा, जो एक्चुअल 3D जो बोलते हैं बट करके नहीं देते, ये वाली क्वालिटी है कि आपको एक्चुअल 3D मिलेगा इसके अंदर। मतलब उभरा हुआ इफेक्ट आ रहा है, उभरा हुआ इफेक्ट आएगा पूरा 100%। वाह, अगर रफ डिज़ाइन होगा तो रफ फील आएगा जी जी, अगर उभरा हुआ डिज़ाइन होगा तो उभरा हुआ फील आएगा। ये देखिए इसमें आपको वॉल पेपर्स हो गया, कस्टमाइज कर्टेंस हो गए, थोड़ा सा सेल्फ इफेक्ट है इसके अंदर। हाँ, ये थोड़ा टेक्सचर लुक में है और इसमें वॉलपेपर हो गया, कस्टमाइज कर्टेन हो गया जी। जैसे कि बहुत से लोग चाहते हैं ना एक रूम में उनको सारी कुछ थीम एक जैसा कलर मिल जाए। ओके, तो वॉलपेपर और कर्टेन सब एक मैचिंग, वॉलपेपर और कर्टेन सब कुछ सिंगल कलर में मिल जाएंगे उनको। वेरी नाइस। हाँ ये देखिए सर कर्टेन्स के मैं कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप ये सब डिज़ाइंस आपको कर्टेन से मिल जाएंगी, और ये सारी डिज़ाइंस यूनिक डिज़ाइंस हैं जी, आपको ये मतलब हमारे पास ही मिलेंगी वाली डिज़ाइंस, डिजिटल प्रिंट्स हैं ये। हाँ ये एडिट किए हुए प्रिंट्स हैं, खुद के बनाए हुए डिज़ाइंस हैं, उसको फिर कैटलॉग में आके कंपनी मतलब एक कर्टेन स्टिच करा के तैयार करा के फिर आप पूरा सेट करके देंगे? हाँ पूरा सेट करके देंगे सर। ये देखिए सर यानी कि पूरा फुल हो गया आपके यहाँ, मतलब फ्लोरिंग से लेके वॉल पैनलिंग और कर्टेंस, वॉलपेपर्स, रूफ। यस सर, जैसे कि आप देख रहे हैं सर ये रेडीमेड 3D स्टिकर है, इसको बस सिंपली आपको यहाँ से पील ऑफ करना है और ऐसे करके पेस्ट कर देना है अपनी वॉल पे या फिर यहाँ पे भी आप इसको इंस्टॉल कराना चाहते हैं, और इस टाइप से ये लग जाए। गार्डन वगैरह में सर यूज़ कर सकते हैं, बाकी बेडरूम वगैरह के वॉल, बेड के पीछे वाली वॉल हो गई वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, सोफे के पीछे लगा सकते हैं इसका, एक ऐसे की लुक दे सकते हैं आप बढ़िया सा। देखिए ऐसे की मेरा भी लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छा इसका लुक आता है निकल के।
सर देखिए, एफ एंड आई डेकोर पे आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको हमारे पास सारा मटेरियल रेडी स्टॉक मिल जाता है। अच्छा, क्योंकि सर मेजरली जो प्रॉब्लम आती है इस वर्क में या फिर इस टाइप के किसी भी वर्क में, जैसे कि काम 90% हो गया, 10% काम अटक गया जी, और पता लग रहा है कि मटेरियल नहीं है, फिर वो मटेरियल मुंबई से आएगा या दिल्ली से आएगा, तो उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है जी, और कई बार सर उसमें कुछ फर्क भी आ जाता है, कुछ डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से कि पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाता। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये मैंने बहुत कम जगह देखा है आगरा में कि इतना स्टॉक मेंटेन, बहुत वास्ट वैरायटी आपके पास है हर तरह की चीज की। मैं देख रहा हूं सर, आप देख रहे हैं सर, पैनल हो गया या फिर ब्रिक शीट हो गई या फिर वो आर्टिफिशियल गार्डन का आइटम हो गया जी, सब कुछ आपको रेडी स्टॉक मिलेगा। अच्छा, एक चीज और मैं देख रहा हूं कि जैसे आपका जो शॉप का जो ब्रांड है एफएनआई डेकोर, तो आपका ये जो माल जो यहां रखा हुआ है इनके ऊपर भी एफएनआई डेकोर का ये पूरा लेबल लगा हुआ है, तो ये आपका इन हाउस सारी चीजें क्या? यस सर, हमने अपना एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर रखा हुआ है जी, है ना, अहमदाबाद में प्लांट है, वहां पे हमने रखा हुआ है। अच्छा, अहमदाबाद में प्लांट है, वहां पे अपना बंदा है, तो वहां से हम जो डिमांड होती है जी, जो उसके हिसाब से हम बिल्कुल कस्टमाइज करा के उनको भेजते हैं जी, और फिर उसी के हिसाब से हमारा जो मटेरियल है बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी जो हमारे कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करे जी, वही माल हमारे पास आता है, उसी को हम सेल आउट करते हैं। एफ एंड आई डेकोर आकर मुझको काफी अच्छा लगा आज। एक तो बात यह कि जितनी भी जरूरतें हैं इंटीरियर रिलेटेड घर की, वो मेरी सारी यहाँ पर पूरी हो रही हैं, चाहे वो मेरा फ्लोरिंग की बात हो, चाहे वॉल पैनलिंग की बात हो, चाहे रूफ़ की बात हो, चाहे कर्टन्स की बात हो, चाहे रूफटॉप गार्डन की बात हो, काफ़ी सारी चीज़ें मुझको एक ही जगह मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात मुझको यहाँ पे ये नज़र आएगी, यहाँ पे स्टॉक काफ़ी है, ये लोग सारा स्टॉक मेंटेन करके काम कर रहे हैं, तो काम मेरा बहुत जल्दी होने वाला है, लिंगरॉन नहीं होगा, बार बार फ़ोन नहीं करना पड़ेगा कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से मेरे घर के लिए तो ये बिल्कुल मुनासिब जगह है जहाँ से मैं अपने काम करा सकता हूँ एक ट्रस्ट के साथ में। अगर आपको भी अपने घरों के पे कुछ काम कराना है, इंटीरियर का, घर को सजाना है, घर की शक्ल सूरत अगर चेंज करनी है इस दीपावली के फैशन सीजन में, तो एक बार आप एफ एंड आई डेकोर को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर अगर आपका मन भरे आप ज़रूर काम कराइए यहाँ पर। कुल मार्केट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी, और मुझे लगता है कि अब मेरे घर पर मैं आराम से संडे अपना इन्जॉय कर पाऊँगा, तो आप भी इन्जॉय कीजिए। Have a nice day. Thank you for watching this video and please like and subscribe our channel and hame aise apna pyar dete rahiye. Thank you. Namaskar.